हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस आप जानते हो भाई, हमारा पार्सल आ गया है। थंबनेल में आपने देख लिया है, टाइटल में पढ़ लिया है। गाइस पार्सल आ क्या है वो हम बाद देखेंगे, पहले गाइस हम काम निपटा लेते हैं। देखिए ये लग रहा भाई यहाँ पर सोलर पैनल, ये गाइस 50 वाट का सोलर पैनल। ओ भाई मौसम देख सकते हो कैसे हो रहा है कई दिन से, तो गाइस इनफ नहीं है। ये हमारा गैराज है, ठीक है, यहाँ पर हम गाड़ी अपनी पार्क करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान है कूड़ा कबाड़ा वो यहाँ पर डाल देते हैं। गाइस ऊपर चढ़ने की जगह तो है नहीं, फिर भी हमें यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। देखिए ये आ रहा है सोलर का, भाई हम यहाँ से चढ़ेंगे। गाइस ये हमारा सोलर पैनल, मैं सोचूंगा इस फ्रेम को ना निकाल के एक अलग से बना लो। गाइस आपने सोलर पैनल देख लिया हम हैं, तो गाइस अब बताते हैं भाई आखिरकार पार्सल क्या है। स्टोर में चलते हैं। तो गाइस ये रहा पार्सल, कितना बड़ा पार्सल है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। तो भाई साहब कर दी इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग और देखिए डन सोलर अपना सोलर। भाई ये मोन ही है पोलो, फ्रेंड्स आपको पता लग जाएगी खोलने के बाद। ठीक है मेरे पास ऑलरेडी एक मोन है जिसे फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया। ठीक है फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने मंगवाया है पोली, तो आप लोग कहेंगे समर एक मोनो हो एक पोली हो जाएगा। तो गाइस देखिए दोनों 50 वाट के हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ अलग होता है, जैसे 100 वाट का 150 वाट का होता है, 50 वाट का 150 वाट का, तो गाइस दिक्कत आती है। मोनो है पोली दोनों एक ही वाट के हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। दोनों के एमपी लगभग सेम है। गाइस ये मुझे बहुत चीप पड़ा है, 1860 रुपए का, तो मैंने सोचा यार भले भी तो जलाना है, फ्रेंड 50 वाट गड़बड़ कर जाता है ये जैसा मौसम है ना, तो भाई ऐसा अच्छे से पावर बना नहीं पाता है। तो भाई मैंने सोचा चलिए 50 वाट को मंगवा लेते हैं, 100 वाट को जाएगा तो काम करना चाहिए बढ़िया। तो भाई फटाफट इसका बनाएंगे फ्रेम और इसे लगाएंगे सीधा गैराज पर अपने। गाइस आपका थोड़ा सा लुक देख सकते हो, बहुत सिंपल है, वही सोलर पैनल जैसे कि होते हैं। और भाई यूसी पास यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, वैसे वीडियो टेक्निकल नहीं होने वाले। गाइस ये हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ना कि कोई टेक्निकल वीडियो या कोई एक्सपेरिमेंट। तो गाइस काफी मेहनत के बाद चिपक गए, ये बन गए हैं और काफी मेहनत लगी है। भाई मैंने अकेले बनाए हैं, देखना आपको सिंपल लग रहा है लेकिन गाइस काफी मेहनत लगी है। चले गाइस फटाफट भाई मैंने फिट करता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यहाँ है भाई सीमेंट वाले, 1 किलो कर दो भाई, बस कितने किलो चल रहा है मामला, 12 रुपए किलो। चलो भाई 10 रुपए काम चलाओ, 2 रुपए है नहीं। लेट है यार गाइस, इस पैनल को मैंने लगा दिया है, देखिए इधर और भाई इधर फास्टनर की गिट्टी होती है प्लास्टिक की फास्टनर, उसे लगाकर और ये दोनों लोंडे अब खुश रहेंगे, आपस में बात करते रहेंगे, मजे में रहेंगे जो बात है। और ये लोंडा भैया सीमेंट लेकर आए, आपको पता ही है कहाँ से लेकर आए कैसे लेकर आए। अगर बाई चांस हवा चलेगी ना तो भाई ये उड़ सकता है ना, निकल सकता है, ये उड़ जाएगा। तो भाई हम यहाँ पर सीमेंट लाएंगे, मसाला लाएंगे, जैसे ये मसाला लगाया, बाल्टी भूल गया, भक्के ले गया, देखिए शकल, हाँ जल्दी ले, अरे हाँ रुक जा, तो वो पड़ा बदरू इतना सारा, सारे गल के देखिए यहाँ पे काम चला था, तो भाई इसमें से होगा काम, लात पहले दे दे, रुक जा चल हो गया। देखा भाई इसका हैंडल टूट रहा पड़ा है, ये रहा अलग है, कहा ज्यादा छूट जाता है तो ना लेता, ओ ऐसा ना उसमें लिया किसी पन्नी वन्नी में, रुक जा अरे मैं सीमेंट की दे रहा हूँ, दो दो पन्नी दिए लोंडे ने, इसमें से हो जाएगा। तो भाई ये रही पन्नी, भाई भर भाई यहीं भी हो जाएगा, वरना वहाँ भरते वहाँ वहीं गिरेगा, वरना आया था फैलाने की याद आ जाता है लोंडे को। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हैं, बोले एक बार में क्या पता पड़ा पड़ा इसकी डेट एक्सपायर हो जाए बदरपुर की, भैया इसकी एक्सपायर डेट ना हो इस मरे से यूज कर लो पहली, जिस बाबा रामदेव नमक लाते हैं ना खोद के पहाड़ों पे से, खोद के लाने के बाद उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, जब वो वहाँ जब तक उसकी डेट एक्सपायर नहीं होती। मैं तो लंबा गिन होगा थोड़ा सा, वो फटेगी 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 बच्चा फटेगी। अरे भैया set your affirmations aspirations I got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step। तो भाई साहब कभी अगर आपने उपले पाथे हो या उपले बनाए हो तो आप जान सकते हो कैसी फीलिंग आती है यहाँ, लेकिन ये है कि इसमें से बदबू नहीं आती है ना, जिसमें गोबर में आती है, थोड़ा घिन भी नहीं आती। तो देखिए तरह का कुछ इसका लुक बना है, बिल्कुल फिट मसाला बैठा तुमने बनाया। तो भाई ये बचा था सारा सीमेंट, भाई सीमेंट हो जाएगा बेकार, तो भाई हम क्या करेंगे मैच करके इसको ऊपर ही रख देंगे, इससे फायदा होगा सूख भी जाएगा, मतलब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा पानी जो है ना इसे पी लेगा, और ये वाटर प्रूफ से बन जाएगा, मैंने पाइप पे कवर कर दिया अंदर, हम तक कन्नी मन्नी कुछ नहीं है। A few moments later. तो भाई ये दोनों हो चुके हैं बिल्कुल चिकने घड़े, सूख जाएंगे तब अच्छे लगेंगे, अभी बुरे लग रहे हैं मेरी तरह। यहाँ पे मैंने इसकी वायरिंग की है, वैसे मैंने कट गलत लगा लेकिन और करता भी क्या, इसके तार अगर इसमें लगाता अंदर जंक्शन बॉक्सेस में, जंक्शन बॉक्सेस के अंदर काफी लंबा वायर लेना पड़ता और दिक्कत भी होती, तो भाई मैंने यहीं से कट लगा लिया, यहाँ पे एक कोयला रख दिया है जिससे भाई ये नीचे टच ना हो। रात में ये दोनों लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है क्योंकि लूम सोलर का जो चार्ज कंट्रोल उसमें नाइट सेंसर है, दिन में जब तक उसको सोलर पावर मिलती रहेगी वो आउटपुट नहीं देगा, जैसी रात ढलेगी यानी कि सूरज ढल जाएगा ये दोनों लाइट या तीन लाइट जल जाएंगी गैरेज की, थोड़ा नाइट सेफ्टी पर्पस। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है, फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत होगी लेकिन मेहनत तो भाई बनती है, काम भी तो बनेगा। फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, प्लीज दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब हमारे चैनल को, भेज दो आपके ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते बाय बाय।